हाय वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस मेरा नाम है अदीबा और आज ना मैं आप लोग के साथ ट्रेंडिंग पास्ता चिप्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यार सीरियसली इतने क्रिस्पी और इतने अमेजिंग बनता है यार मतलब ट्राई करना तो बनता है ये और बहुत ट्रेंड कर रहे हैं आजकल ये तो यहाँ पे सब हम नॉर्मल नौ, ना मेकरोनी बॉईल करते हैं ना वैसे करना है पानी लो उसके अंदर डालो नमक और उसके अंदर डालो थोड़ा सा तेल और इसे मेकरोनी कर लो बॉईल और जब ये बॉईल हो जाए तब ना एक बर्तन लेंगे उसमें ये वाले बॉइल मेकरोनी निकालेंगे और ऊपर से डालेंगे इसमें हम अरारोट इसे हम कौन स्टार्च बोलते हैं और फिर ना इसे हम मिक्स कर लेंगे वैसे मैंने अरारोट मेरी डिश में बहुत टाइम बाद आया है वरना पहले तो ऐसा होता था अरारोट के बिना डिश इनकम्प्लीट होती थी है ना जल्दी कमेंट में बताओ मुझे और फिर जब हमने इसे मिक्स कर लिया अरारोट के साथ फिर ना मैंने इसे ना गरम गरम तेल में डीप फ्राई कर दिया और अगर आपके पास ना एयर फ्रायर है तो आप इसे एयर फ्राई भी कर सकते हो मेरे पास नहीं कि हम लोग बिल्कुल देसी हैं हमारे घर में नहीं है घर <laughs> वालों को लगता है यूज़लेस है खैर कोई नहीं क्या होता तो फ्यूचर में आ जाए और बस इन सबको जब भी गोल्डन ब्राउन होने लगे ना तब ना इसे निकालो अभी ये हो रहे हैं क्रिस्पी क्रिस्पी हो रहा है और जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाए तब इसे निकालो और फिर निकालने के बाद ना इसके ऊपर डालो आप मैगी मसाला मैगी मसाला डालने के बाद ना इसे करो शेक ये रहा मैगी मसाला और मैं इसे डाल दूँगी इसमें और फिर इसे ना शेक कर लूँगी सारा मसाला ना इन सारे चिप्स के अंदर मिल जाए और बहुत अमेजिंग लगता है जब ये मतलब ऐसे काइंड ऑफ़ कुरकुरा मान लो और आवाज़ क्रिस्पी तो बहुत होते हैं मैं अगर आपको चाहिए ना आवाज़ सुनिए मेरे आप इंस्टाग्राम का पोस्ट देख सकते हो उसकी आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी होते हैं और ये बस रेडी इसे खाओ यार बहुत मस्त होता है ट्राई करना ओके कमेंट भी ज़रूर करना ओके बाय